नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में और मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। 29th of December है और सैटरडे का दिन है, तो रोज़ की तरह आज भी हम बात करेंगे आपकी राशियों की। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि 2019 यानी कि 2019 की शुरुआत बस होने ही वाली है और एस्ट्रो तक के माध्यम से हम लगातार बल्कि रोज़ आपके लिए नई नई वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। 2019 के लिए प्रेडिक्शंस हम कर रहे हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, तो अलग अलग चीज़ों के ऊपर हम प्रेडिक्शंस करने का प्रयास कर रहे हैं आपके लिए। तो ये वीडियोज़ आपको सिर्फ एस्ट्रो तक के माध्यम से मिल रही हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक भी एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो आपको YouTube पर जाकर के एस्ट्रो तक चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ साथ आपको बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि जो भी वीडियोज़ आपके लिए अपलोड होंगी आपको लगातार उसकी नोटिफिकेशंस भी मिलना शुरू हो जाएंगी। तो चलिए, आज क्योंकि हमेशा की तरह हम बात करते हैं आपकी राशियों की, तो आज भी बात होगी आपके आज के दिन की। 29 तारीख यानी कि 29th December आपके लिए कैसा रहेगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि शनिवार का दिन है तो बात करेंगे कुछ खास उपायों की भी। शनिवार के दिन कुछ खास उपाय किए जाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि इस समय पर गोचर की स्थिति में है, शनि इस समय पर महादशा में है, अंतरदशा में है, प्रत्यंतर दशा में है, या किसी कारणवश आपकी कुंडली में शनि ग्रह जो है उसकी वजह से कई सारी मुश्किलें आपको आ रही हैं, तो कुछ खास उपाय क्या किए जा सकते हैं। देखिए, जो लोग चाहते हैं कि उनका बुद्धि जो है, यानी कि एट टाइम्स क्या होता है कि आप तुरंत अपने दिमाग से सोच नहीं पाते, डिसीजन नहीं ले पाते, इस तरह की समस्याएं जो हैं, या कई बार ऐसा होता है कि आप अपने विचारों को सिर्फ अपने मन में ही रख लेते हैं, अपनी बातों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते सही तरीके से, इन चीज़ों के लिए, इन मुश्किलों के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं शनिवार के दिन। आपको क्या करना है, रात के समय में तकरीबन 10 बजे के बाद आपको ये उपाय करना है। रक्त चंदन से आपको अनार की कलम से ओम ह्रीम लिखना है एक भोजपत्र के ऊपर। उसके बाद आपको नियमित रूप से उसकी पूजा करनी है और ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप पूजा करेंगे उस समय पर आप शनि स्त्रोत का पाठ ज़रूर करेंगे। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका जो सोच है, आपके विचार हैं, आप खुलकर उन्हें व्यक्त कर पाएंगे। दूसरी चीज़, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाएगा, या अगर कोई छोटे बच्चे हैं या एक टीनेज वाला ग्रुप है जो किसी की सुनते नहीं है, वो लोग अगर पढ़ाई आगे फर्दर स्टडीज़ हायर एजुकेशन पाना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं पे जैसे मैंने कहा किसी की सुनते नहीं है, ये समस्या में भी ये उपाय बेहद कारगर रहेगा। इसके अलावा अगर शनि की 7.5 या 2.5 चल रही है और आपके जीवन में मुश्किलें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, यानी कि मेहनत करने के बावजूद भी रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आज के दिन में घर की पहली रोटी आपको किसी काली गाय को खिलानी है, आखिरी रोटी किसी काले कुत्ते को खिलानी है, साथ ही में एक और आपको गेहूं के दाने जो होते हैं वो निकाल करके ऊपर बाजरे के साथ मिला करके आपको छत पर डाल देने हैं चिड़ियों के लिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जो समस्याएं होती हैं, खासतौर पे शनि ग्रह की वजह से आ रही जो समस्याएं होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। चलिए, अब इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं राशिफल की और बात करते हैं आज का दिन कैसा है। एरीज के लिए कार्ड निकल रहे हैं द सन एंड टू ऑफ कप्स, तो मान सम्मान आज आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, रुके हुए काम आपके पूरे हो सकते हैं, मेहनत का पूरा पूरा फल आप लोगों को मिल रहा है। इसी के साथ साथ धन प्राप्ति के सुगम योग भी नज़र आ रहे हैं। आज विवाद की आशंका थोड़ी सी रह सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हनुमान जी को चोला चढ़ाना सुबह के समय में आप चढ़ाएंगे तो बेहद अच्छा है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ऑलरेडी निकल चुका है तो आप लोगों को संध्या काल के समय चोला चढ़ाना भी अच्छा रहेगा। चलिए बात करेंगे टॉरेंस की। टेम्परेंस एंड एरिस कप्स कार्ड निकल रहा है, तो व्यस्तता रह सकती है आज के दिन में, आराम का अवसर बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, वर्क स्केड्यूल्स बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहेंगे, कोई भी लेकिन शुभ समाचार आपको ज़रूर मिलेगा, घर परिवार की कहीं ना कहीं पर चिंता रहेगी, व्यर्थ के विवादों से दूर रहना है आपको, इस बात का ध्यान रखना है। 7 रस वाले फल किसी भी मंदिर में जाकर के आपको दान कर देने हैं, आपका जो ये काम में आ रही रुकावटों वाला समस्या है ये खत्म हो जाएगी। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि और कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटाकल्स, तो आज के दिन में यात्रा दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, नौकरी और निवेश से जुड़ी हुई जो भी जो समस्याएं चल रही थी वो खत्म होती हुई नजर आ रही है, उन्नति के अवसर आज जरूर मिलेंगे, अप्रत्याशित लाभ हो सकता है, किसी के साथ जुड़ने का मौका आज मिल सकता है, लेकिन आपको किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना है। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कोई रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। हालांकि आजीविका के क्षेत्र में भी उन्नति हो रही है, जो लोग बेरोजगार थे अभी तक नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे आज उनको नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। गणपति जी को कनेर के पुष्प चढ़ाना आपके लिए आज अच्छा रहेगा। क्या इस राशि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकलता है, तो विवादों में आज नहीं पड़ना है आप लोगों को, साथ ही में फालतू के खर्च को भी आज
थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। चिंता और तनाव कहीं ना कहीं पर परेशान आज आपको ज़रूर कर सकता है। दूसरों की अपेक्षा नहीं करनी है, साथ ही में जोखिम नहीं लेना है। कहीं ना कहीं पर आलस से भी आपका हावी हो रहा है, तो आलस के चलते भी आपके काम डिले हो सकते हैं। घर लौटते समय लाल रंग के फल आपको लेकर के आने हैं, या तो फल लेकर आएँ या फ्लावर्स लेकर आएँ, दोनों ही चीज़ें आप ला सकते हैं। फ्लावर्स लाएंगे तो उसे घर के ईस्ट डायरेक्शन में आप लोग प्लेस कर देंगे, और अगर फल लेकर के आएंगे तो सबसे पहले उसका भोग आप भगवान विष्णु को लगाएंगे, उसके बाद स्वयं ग्रहण करेंगे। सिंह राशि की बात करते हैं, सेवन ऑफ पेंटाकल्स एंड द स्टार कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए। तो लेनदारी आज जो अगर किसी को पैसा दिया हुआ था तो वो वापस मिल सकता है आप लोगों को। हालांकि व्यवसाय की यात्राएं आज लाभप्रद रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपके घर परिवार को लेकर के, रिश्तों को लेकर के थोड़ी सी बेचैनी एंग्जाइटी रह सकती है। धन प्राप्ति के मार्ग तो बन रहे हैं, एक नया सोर्स ऑफ इनकम भी आपकी लाइफ में एडअप हो रहा है, लेकिन जीवन साथी का ध्यान रखना है। आज कोई भी बात ऐसी अपने मुँह से नहीं निकालनी है जिससे कि आपके रिलेशनशिप पर उसका असर बहुत गहरा पड़े। 1.25 किलो काले चने आज मंदिर में जाकर के दान करने से आपके जीवन में आ रही समस्याएं खत्म होंगी। कन्या राशि की बात करते हैं, 2 ऑफ पेंटाकल्स इन द हर्मिट कार्ड निकलता है। योजनाएं आज फलीभूत होंगी, कार्यस्थल पर परिवर्तन आज संभव है। यात्राएं अगर करते हैं तो वो भी सफल रहेंगी। जल्दबाजी से बचना है और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। नारियल का भोग आज माँ लक्ष्मी को लगाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। तुला राशि, द डेविल रिवर्स कार्ड एंड 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड निकल रहा है। तो राजकीय बाधा आज दूर हो सकती है। सरकारी पक्ष से जो भी मुश्किलें आ रही थी या कहीं ना कहीं पे अड़चनें आ रही थी वो दूर हो सकती हैं आज। पूजा पाठ में आपका मन जरूर लगेगा। व्यवसाय बेहतर हो रहा है क्योंकि व्यवसाय में एक्सपेंशंस करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे चिंताएं रह सकती हैं, तो इसलिए आवेश और क्रोध में आकर के कोई भी डिसीजन नहीं करना है। परिवार के साथ बैठ कर के साथ जो रात का खाना है वो कम से कम ज़रूर खाइए आप लोग। साथ ही में रात के समय यानी कि संध्या काल के समय आपको तुलसी में दीपक जलाना आज बेहद लाभकारी रहेगा। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि और कार्ड्स निकल रहे हैं आप लोगों के लिए। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो वाहन और मशीनरी के प्रयोग में आज सावधानी बरतनी है। कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसे लोग जो कि आपका अच्छा नहीं चाहते हैं वो थोड़ी सी हानि पहुंचा सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखे चलिए। दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी आज। संबंधों में कहीं ना कहीं पे समाधान जरूर निकलेगा। संध्या काल के समय पीपल के पौधे में, पीपल के वृक्ष में दीपक जलाना आपके लिए लाभकारी है। धनुराशि, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकलता है। तो कोई भी कार्य करेंगे उसमें बुद्धि का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। बिना सोचे समझे कार्य मत कीजिए, आगे मत बढ़िए। राजकीय सहयोग हालांकि मिल रहा है, धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स कोशिश करनी है आज नहीं करनी है। परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। उपाय क्या करना है, आज शनि स्रोत का पाठ करना आपके लिए संध्या काल के समय लाभकारी रहेगा। मकर राशि, 7 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स कार्ड निकलता है। तो स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए आज के दिन में। कार्य की अधिकता हालांकि रहेगी, संपत्ति के बड़े सौदे आपको लाभ दिला सकते हैं। यात्रा यानी कि ट्रैवलिंग इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। धन मिलने की संभावनाएं हैं बिल्कुल। एक स्वाद गेंदे के पुष्पों की माला से राधा कृष्ण की उपासना करनी है आपको। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। कुंभ राशि, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 3 ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है। रचनात्मक कार्यों में सफल होंगे। जो लोग आर्टिस्टिक लाइन से जुड़े हुए हैं लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय है। स्वादिष्ट भोजन का आज आनंद जरूर लेंगे। कहीं ना कहीं पे खान पीन की तरफ रुझान बढ़ेगा आप लोगों का। यात्राएं संभव हैं, यात्राएं आपके व्यवसाय से जुड़ी हुई संभव हैं। कहीं ना कहीं पे नौकरी की वजह से भी आज बाहर जाना पड़ सकता है। जल्दबाजी नहीं करनी है आप लोगों को, और कोई नई योजना बनाने का अवसर आपको मिल सकता है। मे बी किसी कार्य से जुड़ी हुई, आपके बिजनेस से जुड़ी हुई कोई नई योजना प्लानिंग जरूर बनाएंगे। शनि चालीसा का पाठ करना आपके लिए आज लाभकारी रहेगा। मीन राशि की बात करते हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड निकल रहा है। तो विवाद को बढ़ावा नहीं देना है आज के दिन में। अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए, किसी और के बहकावे में मत आइए। व्यर्थ की दौड़ धूप हालांकि रहेगी, कहीं ना कहीं पे आपको धैर्य रखना है, क्योंकि हर चीज़ के लिए अगर टाइम मैनेजमेंट करते हैं आप लोग, अपने वर्क शेड्यूल्स को मैनेज करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है आप पेशेंस ज़रूर रखें, क्योंकि इस तरह की थकान से, एंग्जाइटी से आपका हेल्थ के ऊपर इसका बुरा असर पड़ सकता है। मानसिक अस्थिरता भी बढ़ेगी, इसके लिए क्या उपाय करेंगे, ओम मंत्र का उच्चारण करना आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही में कोशिश कीजिए आज लोहे का दान ज़रूर करें, लेकिन लोहा अपने पास रखा हुआ जो हो उसी का दान कीजिएगा। कहीं से खरीद करके दान करना वो अच्छा नहीं है, बिकॉज सैटरडे वाले दिन चीज़ें खरीदी नहीं जाती हैं ये। चलिए इसी के साथ आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप लोग जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ। नमस्कार।